हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएससी थर्ड सेम की बायो ऑर्गेनिक को, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड को। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ अमाइनो एसिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, एंड थर्ड है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अमाइनो एसिड। तो फर्स्ट है आपका अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, अमाइनो एसिड्स में क्या होता है, अमाइनो मीन्स कोई भी एक अमाइन ग्रुप एंड एसिड्स मतलब कोई भी एक एसिडिक ग्रुप। यानी अमाइनो एसिड्स वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कोई भी एक अमाइन ग्रुप एंड एक एसिडिक ग्रुप कंटेन करते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप आर कॉल्ड द अमाइनो एसिड। यानी अमाइनो एसिड्स वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो आपका एक अमाइन ग्रुप एंड एक एसिडिक ग्रुप एज ए रूप में कंटेन करते हैं, उनको हम अमाइनो एसिड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर दी हुई है। जैसा कि हमने अमाइनो एसिड की डेफिनेशन में देखा था कि जो अमाइनो एसिड होते हैं वो आपका एक अमाइनो ग्रुप एंड एक एसिडिक ग्रुप रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर है इसमें एक अमाइन ग्रुप है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एसिडिक ग्रुप है। इसके अलावा यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है एंड लास्ट में यहाँ पे एक आर ग्रुप होता है जिसको हम साइड चेन कहते हैं, और इसी की वजह से जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको हम वेरियस टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के बेस पे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है असेंशियल अमाइनो एसिड एंड सेकंड होता है आपका नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। तो सबसे पहले हम देखते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड। तो असेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, दोज अमाइनो एसिड्स विच आर नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी एंड आर सप्लाइड थ्रू द डाइट आर कॉल्ड द असेंशियल अमाइनो एसिड। यानी ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, जिनको हम किसी भी डाइट के द्वारा लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, असेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिन एंड लाइसिन। वैलिन और लाइसिन जो होते हैं ये आपके एक टाइप के असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। तो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, दोज अमाइनो एसिड्स विच आर सिंथेसाइज इन आवर बॉडी आर कॉल्ड द नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। यानी ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, इन्हें हम कहीं किसी भी डाइट के द्वारा नहीं लेते, ये हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। यानी इनकी हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, इसलिए हमें इन्हें कहते हैं नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लाइसिन और एलएटी। आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी नेचर के बेस पे जो क्लासिफिकेशन होता है अमाइनो एसिड का वो थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है न्यूट्रल अमाइनो एसिड, सेकेंड है एसिडिक अमाइनो एसिड एंड थर्ड है आपका बेसिक अमाइनो एसिड। फर्स्ट है आपका न्यूट्रल अमाइनो एसिड। दोज अमाइनो एसिड्स विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर कॉल्ड द न्यूट्रल अमाइनो एसिड। यानी ऐसे अमाइनो एसिड जो इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रखते हैं, उनको हम न्यूट्रल अमाइनो एसिड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लाइसिन और सिस्टीन, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये आपकी ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर है और इसमें आपको एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिखेगा और एक ही आपको अमाइन ग्रुप दिखेगा। यानी इसमें जितने आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं उतने ही आपके अमाइन ग्रुप हैं, इसलिए ये जो अमाइनो एसिड होगा वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड होगा। फिर आपका एसिडिक अमाइनो एसिड। तो एसिडिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, जिनमें एसिडिक ग्रुप ज़्यादा होता है अमाइनो ग्रुप से, तो उनको हम क्या कहते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है दोज अमाइनो एसिड विच कंटेन दी मोर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देन दी अमाइन ग्रुप आर कॉल्ड दी एसिडिक अमाइनो एसिड। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड है। एस्पार्टिक एसिड की आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है वो ज़्यादा दिखेगा अमाइनो ग्रुप से। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा बेसिक अमाइनो एसिड। तो बेसिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, जिसमें अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है दोज अमाइनो एसिड विच कंटेन मोर अमाइनो ग्रुप देन दी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आर कॉल्ड दी बेसिक अमाइनो एसिड। एग्जांपल आप देख सकते हैं लाइसिन का।
तो लाइसिन में यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें आपको अमाइनो ग्रुप ज़्यादा दिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप, यानी अमाइनो ग्रुप की पोजीशन के बेस पे अमाइनो एसिड थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका अल्फा अमाइनो एसिड। तो अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या होता है, दोज अमाइनो एसिड विच हैव ए अमाइनो ग्रुप एट द अल्फा कार्बन एटम फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनमें जो अमाइनो ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अल्फा कार्बन पर होता है। जैसा कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे कि एलेनिन एंड ग्लाइसिन का यहाँ पे एग्जांपल है। इसमें क्या है, यहाँ पे जो आपका अमाइनो ग्रुप है वो आपका एक अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अल्फा कार्बन पर आपका अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड कहते हैं। अब अल्फा कार्बन हमारा कौन सा होता है, तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बीटा अमाइनो एसिड। तो बीटा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसमें जो अमाइन ग्रुप होता है वो आपका बीटा पोजीशन पर होता है, यानी बीटा कार्बन पर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोज अमाइनो एसिड विच हैव ए अमाइनो ग्रुप एट द बीटा कार्बन एटम फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो अमाइन ग्रुप है ये आपका एक बीटा कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। तो ये जो आपका अमाइनो एसिड्स होगा ये आपका बीटा अमाइनो एसिड होगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट, लास्ट है आपका गामा अमाइनो एसिड। तो गामा अमाइनो एसिड्स वे अमाइनो एसिड होते हैं जिसमें जो अमाइनो ग्रुप होता है वो आपका गामा पोजीशन पर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोज अमाइनो एसिड विच हैव ए अमाइन ग्रुप एट दी गामा कार्बन एटम फ्रॉम दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यानी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है आपका उससे जो गामा पोजीशन हो